नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे को लेकर शुरू हुए सियासी ड्रामे की, कर्नाटक की सत्ता को लेकर शुरू हुए नए नाटक की, जानेंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस को अब क्यों हो रहा है अपनी भूल का एहसास, और लक्षद्वीप की सियासत में बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं बुद्धिजीवी। बात करेंगे बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के नए प्लान की और किसानों के सरकार के खिलाफ नए ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बंगाल सरकार का नया ऐलान, पश्चिम बंगाल में अब एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा 10वीं 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला। कई राज्य रद्द कर चुके हैं 10वीं 12वीं की परीक्षा। घर खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक महत्वपूर्ण फैसला, समय पर घर नहीं सौंपने पर ब्याज सहित वापस देने होंगे पैसे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम 3 दिनों तक करेगी पश्चिम बंगाल का दौरा, याद से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएगा दल। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को A++ ग्रेड दिया गया। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। यूपी में विधानसभा चुनावों के ऐलान से करीब 6 महीने पहले सियासी पारा एकदम से चढ़ गया है। मैदान में बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने में विपक्ष भले ही पीछे रह गया है, लेकिन बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार को घेरने से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि राजभवन में मिलने के लिए मोदी के मंत्री जाते हैं तो सीएम योगी दिखाई नहीं देते। मोदी के करीबी को लखनऊ भेजा जाता है तो योगी उसे मिलने का टाइम नहीं देते। योगी का जन्मदिन होता है तो मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा योगी के नाम एक ट्वीट भी नहीं करते। अब तो योगी को हटाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन चुनावों से पहले पार्टी में बगावत हो गई थी। घर की लड़ाई का असर चुनावों में दिखा और सपा विधानसभा चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो गई। अब यूपी में एक बार फिर विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और इस बार बगावत छिड़ी हुई है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बेहद करीबी आईएएस अधिकारी एके शर्मा को इस्तीफा दिलाकर यूपी भेजा, उन्हें एमएलसी बनाया गया। दावा किया गया कि एके शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन 5 महीने बाद भी एके शर्मा को कोई काम नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम तो दूर, उन्हें मंत्री ही बनाने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व कई बार योगी को संदेशा भेज चुका है, लेकिन योगी इसे सुनते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच यूपी बीजेपी प्रभारी केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह आज अचानक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंच गए। राधामोहन सिंह ने एक लिफाफा राज्यपाल को सौंपा है, इस लिफाफे में क्या है इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि लिफाफे में 250 से ज्यादा विधायकों की दस्तखत वाली चिट्ठी है, यानी बीजेपी ने अब उत्तराखंड की तरह यूपी में भी सीएम बदलने का फैसला कर लिया है। दावा तो ये भी हो रहा है कि राधा मोहन सिंह नए मंत्रियों की लिस्ट लेकर राजभवन गए थे, लेकिन संवैधानिक नियमों के अनुसार ये काम सिर्फ मुख्यमंत्री का होता है। वो राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगता है और समय मिलने पर राज्यपाल को नए मंत्रियों के नाम सौंपे जाते हैं जिन्हें शपथ दिलानी होती है। राज्यपाल इसे मंजूरी देकर नए मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ऐसे में लिफाफे में नए मंत्रियों के नाम तो नहीं होंगे, हाँ विधायकों के नाम जरूर हो सकते हैं। राधा मोहन सिंह से भी सवाल किया गया कि क्या यूपी में बदलाव का मन बीजेपी बना चुकी है, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बदलने की बात से मना करते हुए कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही सीएम रहेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं इसका फैसला भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेना है, लेकिन पत्र में क्या है इसे लेकर सही जवाब नहीं आया। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या यूपी में बदलाव हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तय है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या वो इस्तीफा देंगे या फिर योगी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सुलह हो जाएगी, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। योगी कभी बीजेपी के लिए जरूरी थे तो अब बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं, लेकिन योगी को नाराज करके यूपी बचा पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आसान बीजेपी के लिए कर्नाटक भी नहीं दिख रहा है। वैसे यहाँ चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन कर्नाटक की सियासत की कहानी भी यूपी जैसी ही है। कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा को घेरने में विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक और मंत्री ही जुटे हैं। अब तो येदुरप्पा भी इस्तीफे की बात करने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो नए नेतृत्व को रास्ता देने के लिए तैयार हैं। पार्टी हाईकमान जैसे ही उनसे इस्तीफा देने को कहेगा, वो तुरंत ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक के बाद एक चुनावों में मिल रही पार्टी की हार ने येदुरप्पा की स्थिति कमजोर कर दी है। पार्टी के विधायक और मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इसे लेकर कर्नाटक के सीएम येदुरप्पा ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें राज्य में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने का पर्याप्त अवसर दिया है। मेरे पास कई विकल्प हैं, लेकिन इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। मैं चाहता हूं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी ही कर्नाटक सरकार के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पार्टी की इच्छा है कि मैं खुद इस्तीफा दे दूं, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। दरअसल कर्नाटक बीजेपी में येदुरप्पा का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। नेता लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में राज्य के परिवहन मंत्री सीपी योगेश्वर ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं है, बल्कि 3 पार्टियों के समझ वाली सरकार है। भाजपा विधायक बासवन गौड़ा पाटिल यतनाल ने भी मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देने की सलाह दी है। बीजेपी की मुश्किल यूपी और कर्नाटक में ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी ने शिवसेना की मांग नहीं मानी तो शिवसेना ने उससे अपना वर्षों पुराना रिश्ता भुला दिया और एक नया गठबंधन तैयार कर लिया। शिवसेना बीजेपी से अलग हुई तो बीजेपी के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक नया फॉर्मूला बनाया था, अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का। इस सरकार का हश्र क्या हुआ था वो सभी ने देखा था। अब फडणवीस ने अपने इस गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है, तो क्या कहा फडणवीस ने, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे, बहुमत एनडीए को मिला, लेकिन सीएम पद को लेकर एनडीए से शिवसेना अलग हो गई और एक नया गठबंधन बन गया। ये गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा करता तब तक बीजेपी ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर खेला करने की कोशिश की। रातों रात गठबंधन बना, राष्ट्रपति शासन हटाया गया और 23 नवंबर 2019 की सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया। फडणवीस सीएम बने और अजीत पवार डिप्टी सीएम, लेकिन ये सरकार सिर्फ 80 घंटे ही चल पाई और विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। इस अल्पकालिक सरकार बनाने के फैसले को अब फडणवीस ने बड़ी भूल माना है और कहा है कि हमें ऐसी सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, ये एक भूल थी। राजनीति में बने रहने के लिए जो आवश्यक होता है वो आपको करना होता है। जब सरकार बनाने का मौका आया तो हमने उसे भुनाया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय जो हमने किया हमारे सभी समर्थकों को पसंद नहीं आया था, ये मेरी भूल थी, लेकिन मुझे इस भूल का पछतावा नहीं है। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि ऐसा करने से समर्थकों के बीच मेरी छवि खराब हुई थी। बेहतर होता कि हमने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई होती, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि ये सही फैसला है। अजीत पवार ने जितने विधायकों के साथ होने का दावा किया था वो दावा सही साबित नहीं हुआ। यहाँ तक कि अजीत पवार भी बाद में पलट गए और एनसीपी के साथ ही चले गए। राज्य में शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद राकांपा के नेता अजीत पवार दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गए। फडणवीस अजीत पवार के साथ गठबंधन को भूल बता रहे हैं, इससे बीजेपी की छवि को भी नुकसान हुआ और फडणवीस की छवि को भी, और अब इससे बड़ी भूल बीजेपी लक्षद्वीप में कर रही है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ कोई विधानसभा भी नहीं है, इसीलिए विधानसभा चुनाव भी नहीं होते। केंद्र से सीधे प्रशासक की नियुक्ति होती है। इस समय प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं, लेकिन उनके फैसले से पूरे लक्षद्वीप के लोग हैरान हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है। अब देश के कई बुद्धिजीवियों ने लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ दिन पहले पूर्व अधिकारियों ने पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता लाने के लिए पीएम को एक ओपन लेटर लिखा था। वहीं अब एक बार फिर पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में लक्षद्वीप के हालात पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 93 पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों ने अपने खुले पत्र में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संवैधानिक आचरण समूह की अगुवाई में लिखे गए पत्र में प्रधानमंत्री से यहाँ एक ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित करने की अपील की गई है जिसके लिए यहाँ के निवासियों से विचार लिए जाएं, जिसमें सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और अच्छी शासन प्रणाली समेत अन्य चीजें शामिल हों। पत्र में कहा गया है कि भारत के मानचित्र में लक्षद्वीप सांस्कृतिक विविधताओं से भरा एक अलग स्थान रखता है। प्रशासक पी के पटेल की ओर से पेश किए गए 3 नियमों के मसौदे पर प्रकाश डाला गया।
जिस पर पिछले साल से विवाद चल रहा है। वहीं कांग्रेस के केरल और लक्षद्वीप प्रभारी तारिक अनवर ने तैयार मसौदों को केंद्र शासित प्रदेश के लिए मुश्किल पैदा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में तत्काल दखल देकर प्रफुल्ल पटेल को प्रशासक के पद से हटाया जाना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों से बिना विचार विमर्श किए मनमाने ढंग से फैसले तैयार कर दिए गए हैं। फैसले के कारण वहां के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इस पत्र की प्रति गृह मंत्री अमित शाह और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी भेजी गई। इस पत्र पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीके नायर समेत 93 लोगों के हस्ताक्षर हैं। बीजेपी की मुश्किलें पूरे देश में बनी हुई हैं। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। बंगाल में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी हार मिली है और अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को एक और हार देने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। तो अब कहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगी ममता बनर्जी, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ममता ने ऐसा कमाल किया कि कमल की नींव ही हिलाकर रख दी है। और अब एक बार फिर बीजेपी को बंगाल में हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ममता बनर्जी की नज़र नगर निकाय चुनावों पर है। ममता ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नगर निकाय के नेताओं समेत पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं की बैठक बुलाई। हालांकि मीटिंग को लेकर किसी नेता को एजेंडे के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन नगर निकाय के नेताओं को आमंत्रित करने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल महामारी की वजह से 100 से ज्यादा नागरिक निकायों के चुनाव एक साल से ज्यादा समय से टले हुए हैं। ज्यादातर निकायों को तत्कालीन नगर पालिका पार्षदों के प्रशासकों के बोर्ड के जरिए चलाया जा रहा है, इसलिए लगातार इस चुनाव की मांग उठ रही है, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। आपको बता दें कि नगरपालिका चुनाव राज्य चुनाव आयोग के जरिए आयोजित किए जाते हैं और तारीखें राज्य सरकार के परामर्श से तय की जाती हैं। अब टीएमसी ने आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। इसके साथ ही नेताओं ने जीत का दम भी भरा है। नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। यहां तक कि नेताओं ने 100 से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट से अब बीजेपी फिर से मात खा सकती है। बीजेपी की मुश्किलें बनी हुई हैं। बंगाल में ममता मुश्किलें बढ़ा रही हैं, तो दिल्ली में किसान 6 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। मांग साफ है कि नए कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। कानून वापस लेना तो दूर, केंद्र सरकार किसानों से बात करने को ही तैयार नहीं है। अब किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति बनाई है। तो क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के लिए आए थे, तब संक्रमण के केस काफी कम थे। सरकार भी धरने पर बैठे हुए किसानों से बातचीत के जरिए उन्हें मनाकर बीच का रास्ता निकालने को तैयार थी, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत रुक गई। बातचीत फिर से शुरू होने से पहले संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। केंद्र के द्वारा दिल्ली और आसपास के राज्यों में संक्रमण फैलाने का दोष सीधे सीधे किसानों के आंदोलन पर ही डाल दिया गया, लेकिन अब किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की सीमाओं पर अभी करीब 60 से 70 हजार लोग बैठे हैं। एक दो दिन में इनकी संख्या 1 लाख हो जाएगी, मगर हम इससे ज्यादा लोग नहीं आने देंगे। इसी बीच आज कई किसान नेता अपने साथियों सहयोगियों के साथ हरियाणा से दिल्ली की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़े। किसानों के प्रदर्शन के इस दौरान सड़कों पर कारें, वैन, जीप और मोटरसाइकिलें थी, जिन पर किसान अपने झंडे और पोस्टर बैनर लिए सवार थे। वो इस दौरान नारेबाजी भी कर रहे थे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना ही होगा। वहीं टिकैत के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात लॉकडाउन से मिलने वाली रियायतों की। महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही अब राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू में छूट देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले 31 मई को छूट का ये सिलसिला दिल्ली से शुरू हुआ था, फिर एक के बाद एक राज्यों ने पाबंदियां हटाने का ऐलान किया। कल यानी सोमवार से इन पाबंदियों में और ढील देने की तैयारी है। तो किस राज्य में कितनी मिल रही है छूट, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की रफ्तार अब लगातार धीमी पड़ती जा रही है। राज्यों में मामले घटे तो फिर महामारी के कारण लगाई गई सख्त पाबंदियों में छूट भी दी जाने लगी। दिल्ली में 31 मई को कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को शुरू किया गया। अब 7 जून से मेट्रो, बाजार, मॉल खोलने की तैयारी है, लेकिन ये सभी आधी क्षमता से खोलेंगे। मॉल और बाजार की दुकानों के लिए सम विषम का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है,
तो मेट्रो में जितनी सीटें हैं उसके आधे लोग ही सफर कर सकेंगे। इस बार खड़े होकर सफर करने की भी इजाजत नहीं दी गई है। सरकारी कार्यालयों में भी ए ग्रेड के सभी अधिकारियों का आना अनिवार्य होगा। बाकी के कर्मचारी एक दिन छोड़कर आएंगे, यानी 50% कर्मचारी ही आएंगे। सरकार का ज्यादा जोर वर्क फ्रॉम होम पर है। महाराष्ट्र में भी सोमवार से छूट देने का सिलसिला शुरू होगा। यहां 5 चरणों में छूट दी जा रही है, लेकिन मुंबई में पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। यूपी के कई जिलों में पहले ही कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया जा चुका था, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पाबंदियां नहीं हटाई गई थीं, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले भी शामिल थे। कल से इन जिलों में भी पाबंदियां हटाई जाएंगी। अब यहां भी बाजार शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। कंपनियां आधी क्षमता के साथ काम करेंगी। मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत 1 जून को ही हो गई थी। संक्रमण के मामले घटते जा रहे हैं, इसीलिए अब सरकार छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में महामारी के मामले अभी भी औसत से अधिक मिल रहे हैं, इसीलिए यहां अभी ज्यादा छूट नहीं दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही राहत मिली हुई है। जम्मू कश्मीर में कल से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। हरियाणा, पंजाब में भी जल्दी ही अनलॉक की प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी। देश के संक्रमण के मामले अभी 1 लाख से ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश मामले 6 राज्यों में हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।